वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट ऑन आवर चैनल ग्रो अप कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, जो कि है क्लास 6 चैप्टर 11 एनसीईआरटी से। और इस अलजेब्रा का ये जो वीडियो है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम केवल अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन समझेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैचिस्टिक्स पैटर्न को भी करेंगे। उसके साथ ही अलजेब्रा में यूज होने वाले वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे और मैचिस्टिक्स पैटर्न पर उसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन के बारे में कि अलजेब्रा है क्या। तो मैथमेटिक्स में आज तक आप कई सारे ब्रांच के बारे में पढ़ते रहे हैं, जैसे अब तक आपने नंबर्स के बारे में पढ़ाई की है। तो जो नंबर्स के बारे में हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को मैथमेटिक्स के हम लोग अर्थमेटिक बोलते हैं। बट उसके बाद हमने आगे चल के कुछ शेप्स के बारे में, लाइंस के बारे में, फिगर्स के बारे में सीखा था, उसके बारे में उस ब्रांच को मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री बोलते हैं। अब ये अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच है, जो कि हमसे कुछ कांस्टेंट टर्म, कुछ वेरिएबल के टर्म के बारे में बात करते हुए, रूल्स को समझाते हुए, फॉर्मूले को डिटरमाइन करने में मदद करती है। यानी अगर मैं कंडीशन लेकर के आपको समझाऊं, तो सपोज करिए आपके पास एक बॉक्स है और एक बॉक्स में आप कम से कम 5 कैंडल्स को रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझको इसी तरह के बॉक्स में अगर मेरे पास इसी तरह के 30 बॉक्स हैं और उसमें मैं चाहता हूं कितने कैंडल्स मैं भर सकता हूं, तो उसके लिए मुझको अलजेब्रा का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको इस क्लास में समझाया जाएगा। तो सपोज करिए मेरे पास एक बॉक्स में 5 कैंडल्स हैं, तो दो बॉक्स में मैं कितने भर सकता हूँ, 5 + 5 यानी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 5 × 2 यानी 10 कैंडल्स में भर सकता हूँ। ऐसे ही 3 की बात करेंगे तो मैं 5 × 3 भर सकता हूँ, यानी 15 कैंडल्स भर सकता हूँ। ऐसे ही आप अगर ध्यान से देखिए इन तीनों पैटर्न को, तो ये जितने कैंडल एक बॉक्स में भरे जा रहे हैं, फिर दो बॉक्स में उसी का दुगना हो गया, तीन बॉक्स में उसी का 3 गुना हो गया, यानी नंबर ऑफ कैंडल्स का n टाइम्स हो जाना है। जितने बॉक्स हैं उतने बॉक्स का 5 times कैंडल यहाँ पर भरा जा रहा है। यानी n जो है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ बॉक्स को बताता है, और ये जो कैंडल, ये जो 5 कैंडल है, ये एक बॉक्स में भरे जाने वाले नंबर ऑफ कैंडल्स को बताता है। तो ये जो पैटर्न है, ये आया अलजेब्रा से, और इसी में हम अभी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को आसानी से समझेंगे। तो अलजेब्रा ऑफ इंट्रोडक्शन यही है कि अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है, जो कि वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रूल्स डिटरमाइन करते हुए फार्मूला को निकालना हमें समझाती है। अब जैसे यहां पे जो फार्मूला बना नंबर ऑफ कैंडल्स का बॉक्सेस में, वो बना 5 है, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ बॉक्स है और 5 एक बॉक्स में कैंडल की संख्या है। इसके बाद में यहीं से हमको समझना है वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म। तो आप अगर ध्यान से आप देखिए यहाँ पे, तो वेरिएबल का मतलब होता है, इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है, वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू मैथमेटिक्स में एक ऐसी वैल्यू जो कि वेरी कर सकती है, यानी चेंज कर सकती है अपने आप को। अगर आप ध्यान से देखें तो एन की एक बार जब मैं वैल्यू 1 डालूंगा तो वो 5 देगा, तो जब एन की वैल्यू 1 डालूंगा तो वो 5 दे रहा है, जब 2 डालूंगा तो वो 10 दे रहा है, जब 3 डालूंगा तो वो 15 दे रहा है। यानी अलग अलग वैल्यूज पर हमको अलग अलग आंसर मिल रहा है। तो n ध्यान से अगर आप देखें तो वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, अपने वैल्यू को वेरी कर सकता है। तो इसलिए ऐसी क्वांटिटी जो कि मैथमेटिक्स में अपने वैल्यू को चेंज कर सकती है, उनको वेरिएबल क्वांटिटीज बोलते हैं। यही बात करें इस 5 की, तो ये जहां पर भी आया है वो 5 ही आया है, यानी ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका टॉपिक है मैजेस्टिक पैटर्न। एक बार और एक दो क्वेश्चन लेकर के मैं वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट टर्म को समझा देता हूं। तो जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक और कंडीशन है, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न मिल जाता है फॉर्मूले का 2x + 1, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न मिलेगा, इसमें एक्स जो है वो वेरिएबल है। अब जरूरी नहीं है बार बार आपको ये कंडीशन लिख के देगा कि ये ऐसा कैंडल अंडल है, वो नॉर्मल एक इक्वेशन दे देगा, उसमें आपको पहचानना रहेगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो आप ये याद रखिए, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सिंबल का यूज कर दिया जाता है, किसी लेटर का यूज किया जाता है, किसी क्वांटिटी का, जैसे कोई सिंबल यार मान लीजिए अल्फा हो गया, बीटा हो गया, कुछ भी रैंडम कोई भी वैल्यू, कोई भी सिंबल डिनोट कर दिया जाता है, उसी से वेरिएबल को दिखा दिया जाता है। लेकिन कांस्टेंट टर्म में अधिकतर आपको नंबर ही दिखाई देंगे। तो यहां से आई थिंक ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं मैचिस्टिक पैटर्न पर, जो कि बहुत
इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इसके नाम में मैचिस्टिक पैटर्न है, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ में कई जगह पर काम में आता है। जैसे अभी मैं कैंडल का एग्जांपल लिया था, तो वो भी एक तरीके से मैचिस्टिक पैटर्न का ही एग्जांपल है, लेकिन मैचिस्टिक पैटर्न का यूज करके आपको समझाया जाएगा यहाँ पर कि उस फॉर्मूले को जो मैंने पाई वन लिखा था वो कैसे आ रहा है। तो इसके लिए आपको सपोज करिए, ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी से ही दिया जा रहा है यहाँ पे, कि एक एल है। मैचिस्टिक पैटर्न का मतलब है मैचिस्टिक मतलब माचिस की तीलियों से हम एक पैटर्न बनाएंगे। कैसा पैटर्न बनाएंगे? तो सबसे पहला एग्जांपल हम मान लेते हैं, ले लेते हैं एल, यानी एक माचिस की तीली को हमने दो माचिस की तीलियों को इस तरीके से लगाया कि वो एल स्ट्रक्चर को बनाती। अब एक माचिस, अगर एक एल हमको बनाना है तो उसमें मुझको कितनी तीलियां लगी माचिस की, कितने माचिस लगे, उसमें लगे दो। फिर इसी के बाद मैं इसी को ज्वाइन करता हूं, मैं दूसरा एल बनाता हूं, तो उसको बनाने के लिए मुझको कितने माचिस लगे, 1 2 3 4 माचिस लगे, यानी 2L बनाने के लिए मुझको 4 लगे। फिर जैसे मैं 3L पे जाता हूँ, यानी 3 मैचिस्टिक्स की L स्ट्रक्चर बनाने, तो मुझको 3L से बनाने में मुझको 6 लगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो L जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है जो कि बार 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 रिपीट हो रहा है, यानी L में नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स जो है वो कॉन्स्टेंट है, यानी जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो है एल में मैचिस्टिक्स की संख्या जो कि है 2, यानी हम 2 को समझ सकते हैं कांस्टेंट। चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एल से चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक एल था, फिर 2L आया, फिर 3L आएगा, फिर अगले 4L आएगा, यानी एल्स की, नंबर ऑफ एल्स की संख्या, एल कितनी बार आया है उसकी संख्या चेंज होती जा रही है, यानी ये जो नंबर ऑफ एल्स है ये वेरिएबल है और 2 जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म है। अब वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का यूज करके ही हम यहां पे फार्मूले को डिटरमाइन करेंगे। तो 2 तो कांस्टेंट हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप लेटर्स का यूज कर सकते हो, सिंबल का यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए नंबर ऑफ एल्स को मैंने n से दिखा दिया, तो यहां पर फार्मूला मेरा क्या बन गया, 2n बन गया। मतलब अगर मेरे पास एक l है तो मुझको 2 मैचिस्टिक्स लगेंगे, अगर मेरे पास 2l है तो 2 × 2 = 2 हो जाएगा। 2n का मतलब यहाँ पर 2 × 2 है, कहीं पर अगर 2+n लिखा होता तो ये कभी भी 2n नहीं होगा, ये गलत है। 2n का मतलब होता है 2 × n। ये कैसे आया, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ 2 लगा है, अगर इस 4 को लिखना चाहूँ तो मैं 2+2 लिख सकता हूँ, यानी 2 × 2 लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो इसको 6 को 2+2+2 लिख सकता हूँ, यानी 2 × 3 लिख सकता हूँ, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ एल्स n ही तो है, ये भी तो n ही है, ये जो 2 है यानी n मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पर भी n मल्टीप्लाई 2 है। कहने का मतलब n मल्टीप्लाई 2 है ये, ना कि 2 मल्टीप्लस ये नहीं। क्वेश्चन आते हैं और कई अधिकतर लोग गलत कर देते हैं, याद रखिए। तो 2n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एल्स, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये फार्मूला मिल जाएगा। अब अगर हमको कोई कहता है 15L की में बताओ कितने मैचिस्टिक्स लगेंगे, तो कुछ नहीं करना, 2 में नंबर ऑफ एल्स हमको दिया गया कि 15L में कितने लगेंगे, तो नंबर ऑफ एल्स हमें पता है, एल्स की संख्या हम डाल देंगे 15, और ये 215 जो हमको या 15 × 30 आंसर मिल जाएगा, यानी 30 मैचिस्टिक्स लगेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इजी है, जब ओवरलैपिंग मैचिस्टिक्स की नहीं होती है, यानी ये मैचिस्टिक इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये सब क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं। एन टाइम्स जितना कर दीजिए, एन टाइम को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना एक में लग रहा है, लेकिन जब ओवरलैपिंग होने लगेगी तो आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर सबसे पहला ये वाला तो आसानी था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक एल बनाने में 2 मैचिस्टिक्स लगे, 2L बनाने में 2 + 2 यानी 2 × 2 मैचिस्टिक्स लगे, फिर 3 मैचिस्टिक्स के 3L स्ट्रक्चर बनाने में 2 + 2 + 2 2 यानी 2 × 3 मैचिस्टिक्स लगे। अब यहाँ पे 3, 2 और ये जो 1 था, ये तीनों के तीनों क्या थे, नंबर ऑफ एल्स थे, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। अब 2 तो चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि हर एक मैचिस्टिक, हर एक एल में 2 ही मैचिस्टिक लग रहा है, तो 2 चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट टर्म हो गया और नंबर ऑफ एल बार-बार चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल हो गया, तो फार्मूला मेरा बन गया 2L। और जिससे हमने 15L की संख्या में कितने मैचिस्टिक लगेंगे वो भी हमने निकाला। लेकिन ये क्वेश्चन आसान था, अब ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन करते हैं और वहां पर देखते हैं कैसे हम फार्मूले को डिटरमाइन करेंगे। अब यहीं पर L की जगह मान लीजिए अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है N, और n में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक मैचिस्टिक यहाँ लगेगी, दूसरी मैचिस्टिक यहाँ लगेगी, तीसरी मैचिस्टिक यहाँ लगेगी, ये तो हो गया एक है। अब दूसरा n अगर मैं इस तरीके से लगाऊं,
तो यहाँ पर तो कोई ओवरलैप नहीं होगा, ये एन तो देखने में तो ये एन लगेगा ही, ऐसा नहीं बनाना आपको, आपको ओवरलैपिंग करानी है और उस सवाल को ही समझना है कि वो कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये मान लीजिए दो मैचेस टिक, ये तीसरी मैचेस टिक। अब जब दूसरा एन आप ऐसे लगाने जाएंगे, मान लीजिए एन है, इस एन को उठा करके जब मैं ये एन लगाने जाऊंगा तो ये मैचेस टिक इस मैचेस टिक के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, और जब ओवरलैप करेगी तब वहां पर क्वेश्चन दिक्कत क्रिएट करेगा, वही हमको यहाँ पे समझना है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पहला एन, इसमें एक मैचेस टिक लगी, ये दूसरी मैचेस टिक, ये तीसरी मैचेस टिक। अब जब दूसरा एन इसमें लगाने जाएंगे तो ये वाला एन इस वाले मैचेस टिक का एन इस पर ओवरलैप करेगा, और तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ये वाला एन इसी पर ओवरलैप कर गया और ये वाली मैचेस टिक यहाँ लग गई, ये वाली मैचेस टिक यहाँ लग गई। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है वही बेसिक मेथड जो मैंने इसके पहले लगाया था, कि एक एन बनाते समय मुझको लगी थी थ्री मैचेस टिक, वन टू थ्री, लेकिन जब मैं टू एन पे पहुंचा, टू एन पे मैं जब पहुंचा तो थ्री नहीं लगी, अब कितनी लगी है, वन टू थ्री फोर फाइव लगी है। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ होगा और उसके लिए आपको थिंकिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पर थ्री एन की बात आएगी तो थ्री एन में फिर से एक मैचेस टिक ओवरलैप करेगी और दूसरी मैचेस टिक यहाँ आ जाएगी, तीसरी मैचेस टिक यहाँ आ जाएगी, यानी थ्री एन में आपको 1 2 3 4 5 6 7 लगेगा, यानी 7 मैचेस टिक लगेगी। फिर 4 एन में जब 4 एन बनाने जाएंगे तो आपको यहां देखेंगे फिर एक ओवरलैप करेगी, फिर ये 7 टू 9 मैचेस टिक लगा। अब यहां पर आप ध्यान से अगर देखो तो ये कोई 3 एन 2 एन ये सब का पैटर्न तो बन ही लिया है। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए आपको पेशेंस और अपना थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो 8n बनाने के लिए मुझे लगा 3, 2n बनाने के लिए मुझे लगा 5, 3n बनाने के लिए लगा 7, 4n बनाने के लिए लगा 9। तो अगर इसका पैटर्न मैं लिखना चाहूं तो एक तरीके से आप देखें तो आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, ये ऑड नंबर है, 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की ही सीरीज चल रही है। तो ऑड नंबर की सीरीज अगर आपको लिखनी होगी तो ऑड नंबर का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, ये आपको लर्न करने का। अच्छा, अगर ऑड नंबर का पैटर्न लिखना चाहूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, देखिए n, n का मतलब यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ एंस, जो कि वेरिएबल है, जो कि बार-बार चेंज होता है, उसमें मैं करूंगा 2 से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा इवन। खुद ही आप देख लीजिए, जब आपके पास n की वैल्यू 1 रहेगी तो जब आप 2n करोगे तो 2 1 2 मिल जाएगा आपको, जब n की वैल्यू 2 रहेगी तो 2 * 2 करोगे आपको 4 मिल जाएगा, फिर 2 * 3 करोगे 6, 2 * 4 करोगे 8, फिर 10, फिर 12, ये मिलेगा आपको ऑड इवन नंबर का सीरीज। लेकिन जब ऑड नंबर करना रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 प्लस करता जाऊंगा और मेरा ऑड नंबर बन जाएगा, यानी मैं यहां पर कर सकता हूँ प्लस 1 या 2n माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, यानी कहने का मतलब 4 में से माइनस 1 कर दिया मैंने, 2 में से माइनस 1 कर दिया मैंने, 2 में से माइनस 6 में से माइनस 1, 8 में से माइनस 1, 10 में से माइनस 1, तो भी जो 2 में से बन जाएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 9 आएगा, इससे भी मुझको ऑड नंबर की सीरीज मिलेगी, और यहाँ पर ऑड नंबर की सीरीज लिखनी है। अब डिसाइड करनी है कि n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर n की वैल्यू मैं यहाँ 0 डालूंगा तो 2 0 = 0, 0 + 1 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो 0 ना डाल के मैं 1 से शुरू करूंगा, मैं n की वैल्यू बोल दूंगा कि n जो है वो 1 से शुरू होता है और डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो जाता है। तो जब n की वैल्यू मैं 1 डालूंगा, यानी जब मुझको 1n चाहिए होगा, वैसे भी 0n जैसा कुछ होगा नहीं, तो 1n से शुरू करेंगे आप, तो 2 1 2 आप जब डालेंगे तो 2 1 2 2 1 2 प्लस 1 आ गया, यानी आपको 3 मैचेस टिक्स मिल जाएंगे, जो कि आंसर में आ गया। फिर 1 की जगह जब मुझको 2 else निकालना होगा तो n क्या है, नंबर ऑफ else, else है, तो 2 यहां डालूंगा तो 2 2 = 4 प्लस 1 यानी 5 मिल जाएगा, जो कि आ रहा था। फिर जब 3 else निकालना होगा तो 3 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 4 डालना होगा, 4 निकालना होगा, 4 डालूंगा, उसके बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैचेस टिक्स का पैटर्न बनेगा। जब आपको इवन नंबर का सीरीज दिखाई दे तो आप ये 2n वाला फार्मूला लिख देना वहाँ पे, जब आपको ऑड नंबर की सीरीज दिखाई दे तो 2n + 1 वाला लिख देना। ये था आपका मैचेस टिक्स पैटर्न पे। तो चलिए मैचेस टिक्स पैटर्न को अभी हमने जो समझा उस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी दिया गया, ताकि ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि
लेटर्स का जब हम यूज समझ लेंगे तो हमको अलग अलग तरह के क्वेश्चन में अलग अलग तरह के पैटर्न दिखेंगे और हम उसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 से लिया हुआ है, पैटर्न ऑफ लेटर टी जेड यू वी ई एस आर का हमें रूल के आधार पर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, जो कि हम शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले टी का जब आप पैटर्न बनाना शुरू करेंगे तो टी कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि नॉर्मल है, इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि वन टी बनाने के लिए नॉर्मल आपका पैटर्न वही रहेगा कि सबसे पहले आप फिगर एक बनाओगे और एक में चेक करोगे कि कितने मैचेस्टिक्स लग रहे हैं। उसके बाद फिर जब दोबारा होगा, दोबारा इस फिगर को बनाओगे तो उसमें चेक करोगे कितने मैचेस्टिक्स लग रहे हैं। अगर ओवरलैपिंग होगी तो वो क्वेश्चन थोड़ा क्रूशियल हो जाएगा, बाकी अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। तो सबसे पहले मैंने जब एक टी बनाया तो उसको लगे एक टी में टू मैचेस्टिक्स। जब दूसरी बार मैं इस दोबारा टी को इसी के आगे बनाना चाहूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से मैचेस्टिक्स को लगाऊंगा, तो मुझे वापस से कोई ओवरलैपिंग यहां पर नहीं करानी पड़ी, तो मेरा क्वेश्चन यहां पे मुझको दिख रहा है आसान होगा। तो टू टीज जब मैंने बनाए तो टू टीज बनाते समय मुझको दो मैचेस्टिक्स की जगह अब चार मैचेस्टिक्स लगे, एक दो तीन चार। तो ये तो नॉर्मल आपको वही पहले जैसे एल वाला केस था वैसा ही केस आपको लग रहा होगा। फिर जब मैं थ्री टीज बनाऊंगा तो कितने लगेंगे, सिक्स लगेंगे, नॉर्मल सी बात है, अब तो आपको ये समझ आ ही रहा होगा। फिर जब फोर टीज बनाऊंगा तो फोर टीज बनाने में कितने लगेंगे, फोर टीज में टू की टेबल जैसा ही पैटर्न है, यानी इवन नंबर का पैटर्न है, ऑब्वियस सी बात है, टू बना फोर बना सिक्स बना एट बनेगा। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि अब हमको पैटर्न लिखने की जरूरत है। हमने तो ये चीज समझ ली कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन पैटर्न लिखते समय आपको बस ये ध्यान देना है कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ही आप यहाँ पे पैटर्न लिखोगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है वेरिएबल को खोजना है। वेरिएबल है क्या, ध्यान से अगर आप देखो तो वेरिएबल यहाँ पे नंबर ऑफ टीज है, अधिकतर वही होते हैं, नंबर ऑफ लेटर जो होते हैं वही आपके वेरिएबल होते हैं, क्योंकि वही वेरी होते हैं, एक में तो चेंज होता ही नहीं है कि मैचेस्टिक तो नहीं चेंज होता ना। वेरिएबल जो होगा वो नंबर ऑफ लेटर्स होगा जो कि वेरी करेगा। तो सबसे पहले वेरिएबल आप मान लो किसी लेटर को, मैं जरूरी नहीं है ही मानूं, जो भी मानूंगा बस उसको लिख के दिखा दूंगा कि मैंने माना है और ये माना है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये वेरिएबल जो है x है और यहाँ मुझको लिखना पड़ेगा वेयर x इज, जहां पर x जो है वो है नंबर ऑफ टीज, यानी टीज की संख्या है, कितने टीज मैंने बनाए हैं, टी की संख्या कितनी बनाई है उसको मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया वेरिएबल। अब जब मुझको इसका पैटर्न लिखना होगा तो मैं इसको देखूंगा क्या हो रहा है, यहाँ पे इवन नंबर की सीरीज बन रही है, एक तरीके से आप देखिए तो 2 का टेबल बन जा रहा है, वही तो इवन नंबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बनाने के लिए मुझे 2 लगा, 2 बनाने के लिए 4 लगा, इसका मतलब ये हो गया ये कुछ 2n जैसा पैटर्न है। तो n को n भी यहाँ वेरिएबल था, x भी यहाँ वेरिएबल, रिप्लेस हो गया है, nx से कुछ नहीं है, 2 तो वही है क्योंकि एक में 2 लगा फिर 4 लगा फिर 6 लगा, तो एक तरीके से ये जो पैटर्न बनेगा वो 2x का बनेगा टीज के लिए। ठीक, फिर अगले वाले पे चलते हैं जेड पे। तो जेड पे चलते हैं, तो जेड को बनाते समय फिर से वही काम हम करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एक जेड बनाने के लिए कितनी मैचेस्टिक्स लगे। तो सबसे पहले मैंने देखा एक जेड जब मैंने बनाया तो एक मैचेस्टिक, दो मैचेस्टिक, तीन मैचेस्टिक, यानी एक जेड बनाने के लिए मुझको 3 मैचेस्टिक्स लगे। फिर वही काम आप इसको रिपीट करिए, पैटर्न करने के लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो रिपीट करिए। तो दोबारा जब आप जेड बनाओगे तो फिर यहाँ से कोई ओवरलैपिंग नहीं आएगी, क्वेश्चन भी आपको दिख ही रहा होगा, इजी है। तो यहाँ से आपको पता चला कि दो जेड बनाने में यहाँ 3 लगा, तो यहाँ पर कितना लग रहा होगा, 6 लग रहा होगा, 1 2 3 3 3 हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर आप 3 जेड बनाओगे तो 3 जेड बनाने में आपको कितना लगेगा, यहाँ पे 6 के बाद ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर आप 4 जेड बनाओगे तो सेम वे उसी तरीके से, यहाँ पर फिर ये 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं है आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। तो यहाँ पर पैटर्न लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फिर वही वेरिएबल बताएंगे, तो वेरिएबल वही होता है, मैंने बताया जो नंबर ऑफ जेड है वही वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स को फिर मैं वेरिएबल मान लेता हूँ, जो मैंने वहाँ पर नंबर ऑफ टीज लिखा था यहाँ पर जेड्स लिख दूंगा, यानी नंबर ऑफ जेड की वैल्यू, जेड की कितने नंबर है, कितने संख्याएं हैं, जेड की कितने जेड रिपीट हो रहे हैं, उसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद पैटर्न लिखने के लिए सबसे पहले वेरिएबल को मैं लिखूंगा एक्स। अब एक्स का क्या पैटर्न मुझे दिख रहा है, एक्स यहाँ पर 2
टू के टेबल में नहीं है, ये यहाँ आप ध्यान से देखिए तो ये थ्री के टेबल में, यानी थ्री टाइम्स है इसका, यानी एक है तो वन थ्री या थ्री, टू है तो टू का थ्री टाइम है सिक्स, थ्री है तो थ्री का थ्री टाइम्स है नाइन, फोर है तो फोर का ट्वेल्व टाइम्स है, फोर का थ्री टाइम्स है ट्वेल्व। तो अगर x आएगा तो x का भी थ्री टाइम्स होगा, फिर से देखिए वन का थ्री टाइम्स है थ्री, तो एक जगह में अच्छी सी संख्या है, दो का थ्री टाइम्स है तो सिक्स, फिर उसके बाद थ्री का थ्री टाइम्स है तो नाइन, तो फोर है तो फोर का थ्री टाइम्स है ट्वेल्व। अब ऐसे करने जाएंगे, मान लीजिए कोई अनवेरिएबल क्वांटिटी ले लेते हैं x, तो x का ये भी थ्री टाइम्स होगा, तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स आ जाएगा, यानी पैटर्न क्या मिला थ्री एक्स का पैटर्न मिला, तो यही आपको करना है। फिर इसके बाद जब आप यू पे जाएंगे अगले क्वेश्चन में, तो यू पे डिफिकल्टी होगी जो कि आपको साफ साफ दिख रही होगी, क्यों होगी डिफिकल्टी, क्योंकि ये ओवरलैप करेगा। ध्यान से अगर आप देखिए तो यू को आप बनाएंगे अगर ऐसे, एक मैजिस्ट्रिक आपको यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, और जब दूसरा बनाने जाएंगे तो दूसरा आप देखेंगे कि ओवरलैप कर गया, जैसे मैं ऐसा बना रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ रखने में क्या होगा, ये वाली जो मैजिस्ट्रिक की मैजिस्ट्रिक्स है ये जा करके इसी पे ओवरलैप करेगी। यानी एक यू बनाने में, पहले तो आपको लिख लेना है, एक यू बनाने में आपको वन टू थ्री थ्री मैजिस्ट्रिक लगे, लेकिन जैसे आप टू यू पे गए तो टू यू में आपको अगर नॉर्मल कंडीशन अलग अलग आप बना रहे थे तो सिक्स लगता, लेकिन यहाँ पर सिक्स न लगने की वजह से, एक ओवरलैप करने की वजह से अब सिक्स की जगह एक ओवरलैप में इसकी कम हो गई, यानी जो पहले थ्री एक्स बनना था वो थ्री एक्स माइनस वन बनेगा क्योंकि ये कम हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया टू यू, टू यू बनाने के लिए आपको कितने मैजिस्ट्रिक लगेगी, फिर थ्री यू ऐसे बनाएंगे तो थ्री यू में ये वाला ओवरलैप कर जाएगा, और थ्री यू में आपको कितनी मैजिस्ट्रिक लगेगी, फाइव की बजाय अब ये फाइव के बाद ये सिक्स, ये सेवन मैजिस्ट्रिक लगेगी क्योंकि ये ओवरलैप कर गया, तो ओवरलैपिंग तो हम गिनेंगे नहीं, फालतू में क्यों दो बार हम उस पर मैजिस्ट्रिक रखेंगे, इसलिए उसको नहीं काउंट करते, मतलब आपको दो बार मैजिस्ट्रिक रखने की जरूरत क्या पड़ेगी, आप एक ही बार तो रखोगे ना, तो इसलिए आप उसको दोबारा काउंट नहीं करोगे। फिर फोर यू जब आपको बनाना होगा तो सेवन के बाद ये क्या करना पड़ेगा, जहां पर पहले हम n को मानते थे वेरिएबल, तो n यहां पर वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ यूज है, तो उसको मैंने मान लिया यूज की संख्या x, मान ली x मेरा वेरिएबल हो गया। अब ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर आएगा इवन से, तो पहले इसको आप बना लोगे इवन, फिर इवन में एक जोड़ने से बन जाता है ऑड, तो प्लस वन कर करके आप इसका ऑड वाला सीरीज भी क्रिएट कर लोगे। और एक्स की देखिए, अब इसको चेक करने का तरीका ये है, इसको अगर आपको चेक करना है कि आपका पैटर्न सही है कि नहीं है, तो आप इसमें एक्स की वैल्यू डालते जाओ, एक्स था क्या, ये नंबर ऑफ यू था, तो एक्स की जब आप वैल्यू डालोगे वन, तो टू वन जा वन डालने पर क्या आएगा, टू वन जा टू, और 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी पहला वाला पहले u बनाने के लिए उसको 3 लगा। फिर ऐसे दूसरे के लिए चेक कर लीजिए, x की वैल्यू अब आप 2 डाल दीजिए क्योंकि यहां पर 2 u हो गया, तो जब आप 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप 3 जब डालेंगे तो 2 3 जा 6 और प्लस 2 3 जा 6 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, यानी आपको यही नंबर मिल रहा है, यानी ये मेरा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो इसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताना है, इसके पैटर्न क्या होंगी और इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।